हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमन वोरा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ UGC NTNET 2019 के लिए पेपर वन का लेक्चर नंबर 25, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ टीचिंग पार्ट टू। तो पार्ट वन मैंने इसका कल अपलोड किया था, तो इसका आज पार्ट टू लेके आ रहा हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो नहीं मिलती तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके सभी के लिंक रोज़ देता हूँ हर वीडियो में। अब उसको फॉलो करके डायरेक्ट वीडियो ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टाइप करना है स्टडी भारत। तो वहाँ पर आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिससे डेली की हर वीडियो की आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं, ना ही आपका लिखने का टाइम है, तो आप हमसे नोट्स मंगवा सकते हैं, क्योंकि जो हम लेक्चर बना रहे हैं हम अपने नोट्स से ही बना रहे हैं। नोट्स की कॉस्ट है 1200, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई लेक्चर देखना पड़ेगा। तो ये PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है। PDF की कॉस्ट है 495 फुल कोर्स। तो अगर आप विदाउट और मैथ रीजनिंग लेना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट है 350। ये जो कोर्स है ये आपको फुली अपडेटेड एंड कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आपको कोई भी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये करोगे आपका UGC NET आराम से हो जाएगा। आपको हमें इस नंबर के ऊपर या हमें ईमेल करना है, या हमें इस नंबर के ऊपर आपको हमें व्हाट्सअप करना है अपना नाम और एड्रेस। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपको बाकी जानकारी इसके ऊपर दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम शुरू करेंगे डिफरेंट टीचिंग मेथड। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कल इसका थोड़ा सा मैंने ये इसका पार्ट वन करवाया था, आज को मैं पार्ट टू लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा ही था कल, इसके हमने जो 8 पॉइंट बताए थे मैंने आपको ये वाले, तो आपको मैं ये आज 8 के 8 इसमें से 4 पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो 4 पॉइंट मैं अगली वीडियो में करूँगा पार्ट 3 में। तो फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से करना, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऐसा कराऊं जहाँ के आपने पहले ऐसे कभी किया ना हो, ना किसी बुक में ना ही किसी लेक्चर में। तो आपको बहुत डीपली मैं करवाऊंगा। आप इसको एक बार कर लोगे, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पेपर वन के लिए आप हमारा वीडियो रेगुलर फॉलो कीजिए। अगर किसी को वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। मैंने अलग से फोल्डर बना रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड 2019 और हिंदी मीडियम में अलग से बना रखा है, ताकि आपको वीडियो ढूंढना ना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड देखिए, डिफरेंट टीचिंग मेथड है ये, तो हमने कल ही कर ही लिया था। तो देखिए, इसके आठ पॉइंट हैं। लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, रोल प्ले, केस स्टडी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, असाइनमेंट एंड अदर मेथड। तो हम आज इसके पहले चार जो है रोल प्ले तक वो करेंगे। तो चलिए इसको वन बाय वन करके देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, लेक्चर मेथड है क्या? फ्रेंड्स, लेक्चर मेथड जो है ये सबसे वैसे बोरिंग मेथड माना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है लेक्चर वो सुनना नहीं चाहते। आप ये देखिए कि आप किसी को कोई बात समझाओ तो आपको कहेगा क्या लेक्चर दे रहा है यार, वो क्या लेक्चर दे रहा है, लेक्चर मत दीजिए ये। तो इसको बोरिंग मेथड माना जाता है, पर ये हमेशा ही यही मेथड, चाहे ये बोरिंग हो पर ये मेथड ही जो है वो सब जगह काम में आता है। तो चलिए देखते हैं कि लेक्चर मेथड है क्या। ए लेक्चर इज़ ए टॉक और वर्बल प्रेजेंटेशन गिवन बाय लेक्चरर, यानी ट्रेनर और स्पीकर टू एन ऑडियंस। यानी कि लेक्चर मेथड है क्या, लेक्चर मेथड क्या है? एक जो लेक्चरर है, एक ट्रेनर है, या एक स्पीकर है, या कोई भी बंदा है, वो अपनी ऑडियंस को कुछ बोल के समझा रहा है, कुछ बोल रहा है, वो है लेक्चर। आप ये देखते हैं ना कि किसी क्लास में, किसी कक्षा में, जैसे 50-60 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट जैसे बैठे हों, वहाँ पे टीचर समझाता है बच्चों को, है ना, वो बोलता है जब, प्रेजेंटेशन देता है, तो वो क्या है, वो लेक्चर मेथड ही है। यानी कि एक टीचर के द्वारा या ट्रेनर के द्वारा बच्चों को, ऑडियंस को, स्टूडेंट को, लर्नर को समझाना, वो हो गया लेक्चर मेथड। विद ऑल द एडवांसमेंट ऑफ ट्रेनिंग एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ये सभी कुछ ये हायर लेवल का ही एजुकेशन का ही पार्ट है। दिस मेथड इज इकोनॉमिकल, कैन बी यूज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मटीरियल कैन बी कवर्ड इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर, एंड द टीचर हैज़ ए ग्रेट कंट्रोल ऑफ टाइम एंड मटीरियल। ये जो मेथड है ये ज़्यादा लंबी जो क्लास है जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि देखिए कि एक बार जब टीचर समझाए 50-60 बच्चे जो बैठे होते हैं तो उनको आसानी से वो समझ में आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टीचर का कंट्रोल होता है किसके ऊपर, टाइम एंड मटीरियल के ऊपर। तो उसको ये भी पता होता है कि कैसे कैसे पढ़ाना है। यानी कि लेक्चर मेथड में क्या होता है, एक तो ज़्यादा क्लास को पढ़ाया जाता है, दूसरा नंबर कि टाइम
और मटेरियल जो है उसके ऊपर टीचर का कंट्रोल रहता है कि मैंने इतने मिनट में कैसे पढ़ाना, कितना पढ़ाना है ना। क्लास में एक टीचर जब लेक्चर दे रहा है तो होता है ना कि उसको इतना आज पढ़ाना है, 45 मिनट में इतना कवर करना है, बस यानी कि ज़्यादा क्लास को पढ़ाना, कितने टाइम में कितना पढ़ाना, और साथ में स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाना, वो किस में आता है, लेक्चर मेथड में। लेक्चरिंग इज़ नॉट सिंपली ए मैटर ऑफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ क्लास और रिसाइटिंग व्हाट यू नो। कह रहे कि लेक्चर जो है वो ऐसे नहीं है कि बस क्लास में खड़े हो, फ्रंट क्लास में समझा दिया बस हो गया, ऐसे नहीं है। क्लास में खड़े होकर समझाना तो है, पर अच्छे से समझाना ताकि समझ में आए। द क्लास रूम लेक्चर इज स्पेशल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वॉइस, जेस्टर, मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टैक्ट कैन आइदर कम्प्लीमेंट और डिट्रैक्ट फ्रॉम द अदर कंटेंट। देखिए फ्रेंड्स, जो जो क्लासरूम का जो लेक्चर होता है वो एक स्पेशल फॉर्म है किसका, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन किसके साथ करेंगे हम, स्टूडेंट के साथ। एक टीचर जो क्लास में जो लेक्चर देता है वो कम्युनिकेशन करता है ना, वो जिसमें क्या है कि वो उसके बोलने का स्टाइल, उसकी आवाज़, उसके जेस्टर, यानी कि हाथों के इशारे, उंगलियां वगैरह, है ना, जेस्टर जो होता है ना हमारा वो, यानी कि इसमें वॉइस, टीचर की वॉइस, जेस्टर, मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट स्टूडेंट के साथ, ये किस में आता है, ये लेक्चर मेथड में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से बिल्कुल कीजिए, मैं आपको ऐसा कराऊंगा आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, इतना डीपली किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। इसको अच्छे से कीजिए, ना ही आपको ये किसी बुक में मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से बुक में देखिए, आप बिल्कुल छोटा छोटा किया होगा, है ना, आपका तसल्ली हो जाती है कि हाँ हमने कर लिया। आप देखिए कि मेरा 10 जनवरी से लेक्चर स्टार्ट है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, टीचिंग अपडेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको मैं डीपली कराना हूँ। तो आप इसको अच्छे से कीजिए। टिप्स एंड टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग लेक्चर मेथड। देखिए अब जो लेक्चर मेथड है इसको टिप्स क्या है, टेक्निक क्या है इसको इम्प्रूव करने के। देखिए लेक्चर मटेरियल शुड बी स्टिमुलेटिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग। जो लेक्चर मटेरियल है वो थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन शुड बी डिलीवर्ड ड्रामेटिकली बाय एग्जांपल, बाय यूजिंग एग्जांपल टू मेक इट मेमोरेबल। देखिए जो लेक्चर मेथड है उसमें जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एग्जांपल भी दी जाए, ऐसी एग्जांपल दी जाए कि ताकि बच्चों को हमेशा याद रहे, वो कभी भूले ना। द टीचर नीड्स टू यूज़ क्वेश्चन थॉट द लेक्चर टू इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड टू चेक देयर कंप्रीहेंशन। देखिए टीचर को क्या होता है, टीचर को इसमें क्वेश्चन वगैरह पूछने पड़ते हैं, है ना, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए टीचर ने कोई नया लेक्चर पढ़ाया तो वो पढ़ाते पढ़ाते कोई क्वेश्चन पूछ ले बीच में से कि बताइए इसका आंसर क्या है, जैसे मैंने कल अपने लेक्चर में पूछा था, है ना। तो वो क्यों पूछता है क्वेश्चन, कि ताकि स्टूडेंट जो है वो साथ में इसके जुड़े रहें, है ना, वहीं की पढ़ाते समय थोड़े से क्वेश्चन भी इंक्रीज करना ताकि स्टूडेंट उसमें वो इन्वॉल्व रहे, स्टूडेंट इसको क्वेश्चन का इसका आंसर दे। री इन्फोर्स लर्निंग बाय यूजिंग विजुअल स्पोर्ट्स लाइक ट्रांसपेरेंसीज, फ्लिप चार्ट, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। देखिए जो री इन्फोर्स लर्निंग बाय, देखिए इसमें क्या होता है कि विजुअल स्पोर्ट होते हैं, जैसे कि देखिए कि अब फ्लिप चार्ट हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, इसमें ये यूज़ किया जाता है लेक्चर मेथड में, वाइट बोर्ड पर लिखना है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना है ऐसे। टीचर शुड टेक फीडबैक ऑफ स्टूडेंट टू इम्प्रूव लेक्चर मेथड। देखिए टीचर जो है जब लेक्चर देता है तो स्टूडेंट से उसका फीडबैक लेता है कि उसको कितना समझ में आया कि नहीं, होता है ना ऐसे कि जैसे टीचर पढ़ाते पढ़ाते आया कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आपको समझ आया कि नहीं, तो बच्चा बोलता है ना हाँ यस सर। अगर बच्चा डरता है तो सर तो वो लाएगा कि हाँ मुझे समझ आया, पर इसके अंदर समझ नहीं आता। तो सिंपल सी बात है कि जब लेक्चर मेथड में टीचर पढ़ाता है तो बच्चों को समझ आता है, टीचर साथ साथ में फीडबैक लेता है जिससे उसको पता चलता है कि उसका लेक्चर कितना समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आता तो उसको कितना इम्प्रूव करना है। तो इसे इसके ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट आ गया डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या है, इट इज़ ए फ्री वर्बल एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन ग्रुप मेंबर और टीचर एंड स्टूडेंट। देखिए डिस्कशन मेथड में क्या है, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना, इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो आप, इसमें क्या होता है कि जो आइडियाज़ होते हैं, जो थॉट होते हैं, उसको आपस में एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो ग्रुप मेंबर हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट हो, है ना, चाहे टीचर आपस में बैठ के बात करें, चाहे टीचर स्टूडेंट आपस में बैठ के आपस में आइडिया किसी मुद्दे के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर कोई बात करें, वो हो गया, स्टूडेंट आपस में बैठ के ग्रुप में बात करें, तो डिस्कशन हो गया, यानी कि किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना किसी ग्रुप के द्वारा, चाहे वो टीचर का चाहे स्टूडेंट का हो, तो वो हो गया डिस्कशन मेथड। फॉर इफेक्टिव डिस्कशन द स्टूडेंट्स शुड हैव प्रायर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक टू बी डिस्कस। इसको
अगर डिस्कशन को इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जिस मुद्दे पे ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर उनको पहले से थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तभी बात बनेगी ना। ऐसे हमें ये माने कि बताइए कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, स्टूडेंट टीचर आपस में बैठ के या बच्चे आपस में बैठ के। आप देखिए, अगर आप किसी से देखिए, आप तीन चार दोस्त जो है फ्रेंड्स जो है बैठ के किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करें, आपको उसके पहले थोड़ा पता होना चाहिए ना। चाहे आप टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में चर्चा करो, चाहे आप पूरे इंटायर UGC नेट के बारे में बात करो, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिव होगी। स्टेटस स्ट्रेंथ ऑफ क्लास डिस्कशन एज पूल आइडिया एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम ग्रुप एंड अलाउस एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिव प्रोसेस। इसमें ये नहीं होता कि हाँ कुछ ही बच्चे जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, चाहे पूरी की पूरी क्लास हो चाहे कुछ बच्चे हो, सबको इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट हैज़ मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, द लर्निंग इज मोर इफेक्टिव, द स्टूडेंट डू नॉट हैव टू रिप्लाई ऑन रोड लर्निंग। देखिए इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें ये नहीं होता कि आपको रोड लर्निंग होता है रट्टा, है ना, इसमें रट्टा मारने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें आइडिया एक्सचेंज करना होता है। एवरी स्टूडेंट गिव हिज और हर ओपिनियन एंड दिस मैथड डिवेल्प क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि हर कोई स्टूडेंट डिस्कशन मेथड में अपने विचार को रखता है, अपने आइडिया को रखता है, डिस्कस करता है, जिससे क्या होता है कि एक क्रिएटिविटी आती है स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, तो आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए मैं जो भी आपको कराऊंगा उसमें क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने। देखिए क्वेश्चन सिंपली पूछ सकते हैं कि बताइए कि मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, द लर्निंग इज मोर इफेक्टिव इन विच मेथड ऑफ टीचिंग। आपको सिंपल पूछ लेंगे, बताइए कौन सा मेथड है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो हो गया डिस्कशन मेथड। तो टिप्स एंड टेक्निक्स है इसके, इसको इम्प्रूव करने के, तो देखते हैं कौन से हैं ये। तो फ्रेंड देखते हैं टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है डिस्कशन मेथड को इम्प्रूव करने के। देखिए हम सबसे पहले पॉइंट करते जाएंगे, साथ में उसको टिप्स एंड टेक्निक्स देखेंगे इम्प्रूव करने के। द टीचर शुड स्पेंड सफिशिएंट टाइम इन प्रिपेयरिंग द प्रोसेस एंड स्टेप ऑफ डिस्कशन। देखिए सबसे पहले क्या है कि टीचर को एक थोड़ा टाइम लेना चाहिए, एक टाइम को रखना चाहिए कि इतने मिनट में हम ये इसको डिस्कस करेंगे, ताकि डिस्कशन जो लंबी ना हो। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक्स एंड द पैरामीटर शुड बी सिलेक्टेड फॉर द फोकस डिस्कशन। यानी कि जो टॉपिक है उसके ऊपर पैरामीटर को सेट करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए कि हम किस मुद्दे के ऊपर कितनी चर्चा करेंगे। आप यदि मानिए कि अगर हम कहें कि हम पूरी UGC नेट के ऊपर चर्चा कर दें, तो वो तो चर्चा ख़त्म ही नहीं होगी कभी। अगर हम बात करें कि हम कंपैरिजन करेंगे पिछले सिलेबस और इस सिलेबस में कौन सा टॉपिक नया है आया है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो वो तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। सफिशेंट टाइम शुड बी अलॉटेड टू डिस्कस ऑल द इशू एट दैट टाइम। सेम टाइम स्टूडेंट शुड नो द टाइम लिमिट टू रीच कंक्लूजन। देखिए सफिशेंट टाइम, टाइम को सफिशेंट मतलब कि कम समय में डिस्कस करना होगा, बताना होगा कि हम इतने समय में इतना इशू इसको करेंगे, कि ताकि स्टूडेंट को भी पता चले कि हमें कम समय में अपने नतीजे पर अपने कंक्लूजन को कैसे पहुँचना है। द टीचर इन द बिगनिंग शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक, द पर्पज ऑफ डिस्कशन एंड द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। देखिए टीचर को क्या है कि स्टार्टिंग में एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, होता है ना कि कहे कि आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो क्यों करते हैं कि ताकि इसका पर्पज़ है डिस्कशन का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, है ना। अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट ना कर पाए तो टॉपिक को चेंज कर दे, तो पहले इंट्रोड्यूस करना होगा टॉपिक को। बिफोर द स्टार्ट ऑफ डिस्कशन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक शुड बी प्रोवाइडेड। देखिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं या कर रहे हैं, टीचर को चाहिए या किसी को चाहिए कि वो उसके लिए पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दें। UGC के ऊपर हम बात करें कि यार सिलेबस नया आ चुका है, हम आज नए सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे, तो पहले हम देखेंगे ना कि बैकग्राउंड देखेंगे जाके कि पुराना सिलेबस कैसा था, तो वही बात होगी बस। There is need to include question to provide direction। इसमें एक क्वेश्चन भी आना चाहिए कि ताकि टॉपिक को डायरेक्शन मिल सके। क्वेश्चन आइज होते ना कि सिलेबस क्यों चेंज कर दिया, क्वेश्चन आ गया, फिर आंसर आएगा अच्छा कितना इफेक्टिव रहेगा, क्वेश्चन निकलते जाएंगे टॉपिक में। रिलैक्स इन्वायरमेंट शुड बी क्रिएटेड टू फोस्टर द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन। इसके लिए जो इन्वायरमेंट है
वो सबसे ज़्यादा सही ही होना चाहिए, यानी कि आसपास का माहौल शांत होना चाहिए, टीचर अपनी बात कह पाए, बच्चे उसको सुन पाए, ऐसा माहौल होना चाहिए। टीचर आफ्टर ओपिनिंग द डिस्कशन शुड प्ले द रोल ऑफ फैसिलेटर इन्वॉल्विंग एवरी वन एंड द एंड शुड समराइज द डिस्कशन। टीचर जो है एक अहम भूमिका निभाता है, एक फैसिलेटर की भूमिका निभाता है कि ताकि जो बच्चे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं वो उसको समराइज़ करके डिस्कशन का एंड कर दें। होता है ना ऐसे, जैसे नतीजे पे पहुँचते हैं, टीचर ये कहता है कि हाँ हम नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमने ये सीखा है, इस टॉपिक का ये निचोड़ निकला है बस। इनकरेज स्टूडेंट लिसन अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड द एवेल्यूएट देयर ओन। इसमें स्टूडेंट को जो है टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट को कहे कि वो दूसरे के पॉइंट जो है वो भी सुने, तो साथ में उसको मूल्यांकन करके देखे, उसको एवेल्यूशन करके देखे अपने हिसाब से कि जो इसने बात कही है वो सही है कि नहीं। यानी कि किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, किसी ने कुछ अपना ओपिनियन दिया है, बाकी बच्चे उसकी बात सुने, तो उसके बाद क्या होगा उसको अपने हिसाब से जांचे कि हाँ इसने सही कहा कि नहीं। बस टीचर शुड गिव वैल्यू ऑफ द ऑल स्टूडेंट ओपिनियन एंड ट्राई नॉट टू अलाउ हिज हर ओन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्रिवेंट कम्युनिकेशन डिबेट। टीचर को क्या चाहिए, वो सभी स्टूडेंट के जो ओपिनियन है उसको वो वैल्यू दे, ये ना हो कि वो उसके जो ओपिनियन है उसको वो माने ही ना, है ना, या वो किसी को अपनी बात रखने से मना कर दे, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे डेमोस्ट्रेशन मेथड। देखिए डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, एक डेमो देना। ठीक है फ्रेंड्स, डेमोस्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग इज ए ट्रेडिशनल क्लासरूम स्ट्रेटजी यूज्ड इन टेक्निकल एंड ट्रेनिंग इन क्लासरूम। यानी कि क्लासरूम के अंदर जो है ये एक परंपरागत जो क्लास स्ट्रेटजी है इसके लिए कि प्रदर्शन करना। यानी कि डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है वो क्लास के अंदर जो दी जाती है वो बहुत पहले समय से स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स डेमोस्ट्रेशन मेथड में देखिए, द डेमोस्ट्रेशन मेथड इज़ बेस्ट यूज्ड इन टीचिंग मेथड हाउ टू परफॉर्म मैनिपुलेटिव ऑपरेशन, बिकॉज डेमोस्ट्रेशन इन्वॉल्व शोइंग बाय रीजन और प्रूफ, एक्सप्लेनिंग और मेकिंग क्लियर बाय यूज एग्जांपल ऑफ और एक्सपेरिमेंट्स। पुट मोर सिंपली, इट मींस टू क्लियरली शो। देखिए डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है कि ताकि जो हमने टॉपिक पहले सीखा है या कुछ समझा है उसके ऊपर उसको डेमो देके या एग्जांपल से समझा जाए। यानी कि डेमोस्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि जिस टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की है या कर रहे हैं उसको प्रूफ करके दिखाना, कि ताकि जो हम टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, वो किस में होगा, वो डेमोस्ट्रेशन मेथड में होगा, कि ताकि बच्चों को क्लियरली शो हो जाए। देखिए दिस मेथड है सेवरल एडवांटेज, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सेव टाइम इन प्रेजेंटिंग, इसमें टाइम बचता है प्रेजेंटिंग करने में। यानी कि अगर आप कोई टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हो, आप इसको प्रूफ कर रहे हो, तो वो किसमें आएगा, डेमोस्ट्रेशन मेथड में। इसमें टाइम बचता है। कॉन्सेंट्रेट अटेंशन ऑफ लर्नर ऑन रिलेशनशिप टू बी अंडरस्टूड। इसमें जो लर्नर जो है वो काफ़ी ध्यान से अटेंशन दे के इसमें समझते हैं और जो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप है आपस में उसको अच्छे से समझ आते हैं। मेक्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होगा कि हमें ऑब्जर्वेशन जो है लर्नर को वो अच्छे से वो कर लेगा, यानी कि पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें ज़्यादा होगी, यानी कि जो चीज़ को समझ रहा है उसको वो अच्छे से समझ लेगा। इट इज़ अ मीन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड कैन बी यूज इन ट्रेनिंग ग्रुप और इंडिविजुअल। इन अदर वर्ड्स द बेस्ट वे टू टीच हाउ इज टू शो इज शो हाउ। देखिए इसमें जो है किसी को कुछ समझाना हो, किसी को ट्रेनिंग देनी हो, किसी ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल को, ये सबसे बढ़िया मेथड है डेमो देने का। इसमें होता है कि जो चीज़ है, हाउ जो चीज़ है उसको कैसे शो करना है, या जो चीज़ शो हो चुकी है वो कैसे आई है ना, यानी कि हाउ इज़ टू शो हाउ, यानी कि जो चीज़ हमने डिस्कस की है वो कैसे आई है, जो चीज़ आ चुकी है वो कैसे हुई है, बस। यानी कि किसी चीज़ का रीज़न बताना, ये कैसे चीज़ हुई है वो किस में आएगा, इसमें आएगा डेमोस्ट्रेशन मेथड में। डेमोस्ट्रेशन स्ट्रेटजी फोकस टू अचीव साइकोमीटर एंड कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। इफ वी टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, इट इज़ गिवन इन फॉलोइंग सक्सेसिव स्टेप्स। देखिए डेमोस्ट्रेशन जो स्ट्रेटजी है वो किसके ऊपर फोकस करती है, साइकोमोटर और एंड कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे दिमाग से ज्ञानात्मक संबंधी ये इसके ऊपर फोकस करता है। अब इसके देखते हैं सक्सेसिव स्टेप्स कौन से हैं।
द रीच शुड बी सिंसियर एंड स्किल्ड पर्सन। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्किल्ड पर्सन बनेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एक हमें अच्छी समझ आएगी, तो इससे जो है टॉपिक हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। टीचर शुड हिमसेल्फ प्रिपेयर द मॉडल्स फॉर डेमोस्ट्रेशन एंड इनकरेज द लर्नर टू। देखिए, जिसमें टीचर होता है वो खुद इसका मॉडल तैयार करता है डेमो देने के लिए, बाद में स्टूडेंट को भी इनकरेज करेगा कि आप भी ऐसे कोई चीज़ बना के लेके आओ जिसमें आप एग्जाम्पल दे सको। यानी कि जो टीचर करेगा वो स्टूडेंट को भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। डेमोस्ट्रेशन शुड बी फॉलोड बाय डिस्कशन। देखिए, जो डेमोस्ट्रेशन है वो कैसे होनी चाहिए, वो कैसे होती है, वो डिस्कशन से होती है। ए टीचर मस्ट हैव द एबिलिटी टू यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज। देखिए, जो टीचर होता है इसमें उसको ऑडियो विजुअल जो एड्स है, जो ऑडियो विजुअल तरीका है किसी चीज़ को समझाने का, उसको उसमें एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नेक्स्ट आ गया रोल प्ले, ये लास्ट ही है। रोल प्ले अकर्स व्हेन पार्टिसिपेंट्स टेक ऑन डिफरेंशिएट रोल्स इन ए सिमुलेशन। दीज मे बी हाईली प्रिस्क्राइब्ड इंक्लूडिंग बायोग्राफिकल डिटेल एंड इवन पर्सनैलिटी एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स और लूजली इंडिकेट्स बाय एन आउटलाइन ऑफ द फंक्शन और टास्क। देखिए, इसमें क्या है रोल प्ले में, किसमें किसी के लिए, जैसे किसी की बायोग्राफिकल डिटेल पढ़ानी हो, जिसमें कुछ किसी पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी के बारे में या फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ पढ़ाना हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें रोल प्ले होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे कोई हिस्टोरिकल ड्रामा हो गया, जैसे कुछ कुछ भी हो गया, जैसे हिस्ट्री के ऊपर कोई बेस कोई कुछ भी करवा दिया, बच्चों को उसमें रोल कराया जाता है ना, चाहे वो ड्रामा हो। या देखिए, मान के चलिए कि जैसे क्लास में कई बार क्या होता है कि जैसे करेक्टर होते हैं किसी चैप्टर के अंदर, तो टीचर क्या करता है कि उस करेक्टर को बच्चों में बांट देता है, है ना। जैसे मान लीजिए 10 करेक्टर है, तो 10 बच्चों को खड़ा करके उनके करेक्टर में बांट देगा, तो लेसन पढ़ते जाएंगे, जब जब उनकी टर्न आएगी करेक्टर की, वो तो उसमें बोलते जाएंगे। दूसरा नंबर है, या वो किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चों को जल्दी से समझ में आएगा रोल प्ले से, वो अपने आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। रोल प्ले भी क्या होगा कि जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करें ताकि उनको अच्छे से समझ आए। दीज टेक्निक हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड देयर एप्लीकेबिलिटी टू बी वाइड रेंज ऑफ लर्नर सब्जेक्ट एंड लेवल्स। इट इज़ ए मेमोरेबल एंड एन्जॉयबल लर्निंग मेथड। ये सबसे ज़्यादा एन्जॉयबल लर्निंग मेथड है। देखिए, आप जैसे किसी में पार्टिसिपेट करते हो, किसी प्ले में, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हो, वो किसी चीज़ के ऊपर आधारित है, है ना। तो स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा, कोई रोल निभाएगा, तो उसको वो जल्दी से समझ में आ जाएगा। टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम दिस मेथड द इंसिडेंट सेलेक्टेड फॉर इनेक्टमेंट शुड बी रियलिस्टिक इन द सिचुएशन अलाउ। इसमें कि जो होता है कि जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट होता है कि जो स्टूडेंट है वो एक वास्तविक सिचुएशन में पहुंच जाता है, उसको पता चलता है कि हाँ, ये सिचुएशन जो है वो वास्तविक ऐसे ही हुई होगी। तो सिंपल सी बात है, रोल प्ले बहुत ही बढ़िया जो तरीका है। अब टिप्स एंड टेक्निक्स है इसके। बिफोर द रोल प्ले द टीचर शुड ब्रीफ पार्टिसिपेंट अबाउट द रोल्स दे विल प्ले, गिव दैम टाइम प्रेपरेशन, कन्फर्म कॉन्फिडेंशली ऑफ रोल प्ले एंड आस्क पार्टिसिपेंट टू बिहेव नेचुरली। देखिए, टीचर के द्वारा इसमें टिप्स एंड टेक्निक्स क्या देनी चाहिए कि रोल प्ले करने से पहले टीचर को टाइम मैनेजमेंट का देना चाहिए कि इसमें जो टाइम कितने समय में, कितनी देर में किस चीज़ को बोलोगे, है ना। स्टूडेंट को कहेगा ना कि आप इतनी देर में इतने देर के लिए करोगे, और ऐसी एक्टिंग करना है कि ताकि वो वास्तविक लगे। ड्यूरिंग द रोल प्ले द टीचर मस्ट कीप क्वाइट, लिसन एंड टेक नोट्स, अवॉइड कटिंग रोल प्ले शॉर्ट बट गिव टाइम वार्निंग इफ प्रीवियसली एग्रीड। इसमें क्या होगा कि जो रोल प्ले के दौरान जो टीचर है उसको चुपचाप सुनते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, तो उसमें उसको जो पार्टिसिपेंट है उसको टाइम वार्निंग देनी चाहिए कि आपको इतने समय में ये कुछ करना है। आफ्टर द रोल प्ले द टीचर थैंक्स पार्टिसिपेंट, आस्क टू फीडबैक फ्रॉम लीड पार्टिसिपेंट, टेक कमेंट्स फ्रॉम ऑब्जर्वर, आस्क अदर पार्टिसिपेंट टू कमेंट। इसमें क्या होगा कि रोल प्ले के बाद जो टीचर है उसको सभी पार्टिसिपेंट का थैंक्स धन्यवाद करना चाहिए और फीडबैक लेना चाहिए बाकियों से कि जो बाकी जो ऑडियंस है उसे जो ऑब्जर्वर है या जो ऑडियंस है उसे फीडबैक लेना चाहिए कि ये इन्होंने ये कैसे किया है, हैं रोल प्ले ये कैसे किया होता है ना ऐसे। द टीचर शुड यूज़ रोल नेम्स नॉट दोज़ ऑफ पार्टिसिपेंट, समराइज ड्रॉइंग आउट लर्निंग पॉइंट, लिविंग द पार्टिसिपेंट विद द पॉजिटिव कमेंट एंड फीलिंग। देखिए, जो
रोल नेम्स हैं जो टीचर को चाहिए, जो रोल नेम है या जो कुछ भी है उसको समराइज़ करके देखना चाहिए कि कैसा कैसे रोल किसको कैसे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, तो आई होप आपको ये लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स इस आप ये देखना जो मैं आपको लेक्चर करा रहा हूँ टीचिंग के कुछ भी है, आपको ये किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा। UGC नेट की आप कोई भी वीडियो देख लिया आपको इतना डीपली कोई नहीं कराएगा, तो इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको अच्छे से कीजिए। आप अपना पेन पेपर उठाइए उसको साथ में नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। मैं जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपकी ड्यूटी बनती है उसके नोट्स बनाते जाइए, आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी में भी ऐसे कराऊंगा, इंग्लिश में भी ऐसे कराऊंगा, कोई भी वीडियो देख लिया आपको ऐसा नहीं कराया जाएगा। तो ये था आज का पार्ट टू, पार्ट थ्री मैं शाम को लेके आऊँगा, तो पार्ट फोर मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगा कल। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।